आदिरादित्यो लोक लक्षणा कारक विषम स्थान संभुताम पीड़ाम दहनु मेरवि। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की। भक्तजनों, सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक ग्रह है, जिनके चारों तरफ अन्य 8 ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं। भगवान सूर्य देव नारायण को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। भक्तों, समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान आदित्य नारायण ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह आज एक सर्व सामान्य सत्य है। भक्तों, वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। भगवान सूर्य का अर्थ है प्रेरणा देने वाले तथा प्रकाश करने वाले। ऋग्वेद में इन्हें सभी देवताओं का अधिपति माना गया है। तो भक्तों, आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान सूर्य देव की वो पावन संगीतमय कथा, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान सूर्य देव नारायण ने अपना देव रूप कैसे धारण किया था। तो भगवान सूर्य देव नारायण के परम प्रकाश को अपने हृदय में समाते हुए मेरे साथ सुनिए भगवान सूर्य की ये पावन संगीतमय कथा। जो पूर्व दिशा से होके उदित अंधकार मिटाते हैं, अंधकार मिटाते हैं, माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो ज्योति स्वरूप है, कैसे देवता रूप में आते हैं, देवता रूप में आते हैं, माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है। भक्तों, देवता और असुर आपस में सदा संग्राम करते रहते थे, आपस में सदैव लड़ाई किया करते थे। यहाँ तक कि उनके इस बार बार के संग्राम से देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी परेशान हो चुके थे। आखिर कोई उपाय सोचें तो क्या सोचें? देवता भी आपस में परामर्श कर रहे हैं और असुर भी परामर्श कर रहे हैं। दोनों की शक्तियां युद्ध कर करके क्षीण हो रही हैं, परंतु असुरों ने त्रिदेवों का तप कर करके उनसे अनेक अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली। भक्तों, और एक दिन ऐसा घनघोर युद्ध किया देवताओं से कि उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया, देवराज इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया, जो देवी देवता बंदी बन सकते थे उन्हें बंदी बना लिया, बाकियों को मारकर स्वर्ग से भगा दिया। अब आगे क्या कथा है भक्तों, सूर्य देव नारायण के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं। असुर भारी थे करते आपस में उत्पात, दोनों एक दूजे को देते युद्ध में भक्तों मात। ओ तप करके घनघोर असुर ने भारी बल पाया, देवताओं को असुरों ने फिर युद्ध में हराया। स्वर्ग पे भी असुर अपना अधिकार जमाते हैं, वो अधिकार जमाते हैं, माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री
प्रजाजनों, सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग से अधिकार विहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कभी भगवान शिव के पास जाते हैं तो कभी भगवान विष्णु के पास, श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर भी उनके हाथ केवल निराशा ही लगी। अब देवता क्या करते, अपनी माँ अदिति की शरण में पहुंचे। अदिति की शरण में आकर सभी देवता हाहाकार कर रहे हैं और अपनी माता से पुकार लगा रहे हैं, हे माँ हमें इन असुरों से बचाइए, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाइए। देवताओं की कातर प्रार्थना सुनकर माँ अदिति की आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, वो भी सोच रही हैं कि भला किस प्रकार से मैं अपने पुत्रों की सहायता करूं। टहलते टहलते महल के झरोखे पर आती है भक्तों, और सामने क्या देखती है कि भगवान सूर्यदेव पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। धीरे धीरे जगत में प्रकाश फैल रहा है, सृष्टि में ऊर्जा का संचार हो रहा है। उगते सूर्य को देखकर माँ अदिति के मन में अचानक एक विचार घर कर जाता है भक्तों, और वो विचार क्या है, भगवान आदित्य नारायण का नाम जपते जपते मेरे साथ सुनिए आगे की पावन कथा। दिशा से आते सूर्य को अदिति ने देखा, देखते ही माँ के मन में तो एक विचार कौंधा, क्यों ना सूर्य देव मेरी संतान बन जाए, करी प्रार्थना पुत्र रूप में गर्भ में आए। देवी देवता सुन सारे हैरत में आते हैं, सब हैरत में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उगते हुए भगवान सूर्यदेव नारायण को देखकर माँ अदिति के मन में विचार कौंधा, क्यों ना ये शक्ति पुंज जो सारी सृष्टि में ऊर्जा भर रहा है, ये मेरा पुत्र बन जाए। यदि ये मेरा पुत्र बन जाएगा तो मैं इसे इन देवताओं का अधिपति बना दूंगी और इसके तेज के आगे समस्त असुर नष्ट हो जाएंगे। यह सोचकर माँ अदिति ने भगवान सूर्य देव नारायण का घनघोर तप प्रारंभ कर दिया भक्तों। यहाँ तक कि उनके पति महर्षि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तुम अपने गर्भ में सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाओगी, परंतु माँ अदिति थी कि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि यदि पुत्र होगा तो सूर्य ही होगा। घनघोर तप किया भक्तों, और भगवान सूर्य देव को माँ अदिति को दर्शन देना ही पड़ा। आकर माँ से वरदान मांगने को कहते हैं तो माँ वरदान में वही मांगती है जिस प्रेरणा से उन्होंने तप किया था। बोली, हे भगवान सूर्य देव नारायण, यदि मेरे तप से प्रसन्न है तो मेरे गर्भ में आ जाइए भगवन, और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। सूर्य देव जानते थे यह कार्य असाध्य है पर असंभव नहीं, सो उन्होंने तथास्तु कह दिया भक्तों, और माँ अदिति के गर्भ में आ गए। माँ अदिति के तप का बल इतना था कि पूरे एक वर्ष तक भगवान सूर्य देव को अपने गर्भ में रखा और उचित समय पर देदीप्यमान पुत्र के रूप में भगवान सूर्य ने माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया। भक्तों, देवी देवता मिलकर जयकार लगा रहे हैं।
देव से करी प्रार्थना, गर्भ में आओ आकर मेरे गर्भ मेरी संतान बन जाओ। अदिति माँ को वर दिए और गर्भ में आए, एक वर्ष पश्चात पुत्र के रूप में जाए। सूर्य जन्म पे भक्तों सारे फिर हर्षाते हैं, जय जयकार लगाते हैं, माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव नारायण ने माँ अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भक्तों, सभी देवी देवता मिलकर सच्चे हृदय से भगवान सूर्य देव की जय जयकार कर रहे हैं। अपने तप के बल पर, अपने तेज के बल पर भगवान सूर्य देव नारायण जन्म लेते ही अपने वास्तविक आकार में आ गए। उन्होंने पूर्ण रूप से एक देवता का रूप धारण कर लिया। अब तक जो शक्ति पुंज के रूप में देखे जाते थे, पूजे जाते थे, वो अब साक्षात देवता स्वरूप सबके सन्मुख खड़े हैं। माँ अदिति ने उन्हें सभी देवताओं का अधिपति बना दिया भक्तों, और आज्ञा दी, हे पुत्र, इन असुरों ने तुम्हारे भाइयों को, सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन किया हुआ है। जाओ, युद्ध भूमि में जाओ पुत्र, और अपने तेज का वो चमत्कार दिखाओ जिसे देखकर ये सारे असुर परास्त हो जाएं। श्री सूर्य देव भगवान ने देवताओं की सेना तैयार की भक्तों, और अपने तीर धनुष तलवार लेकर युद्ध भूमि में असुरों से लड़ने हेतु चले गए। सारी सृष्टि अब हैरत से देख रही है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना आई, असुरों से फिर युद्ध का वो आह्वान लगवाई। देव असुर फिर एक दूजे के सन्मुख थे आए, तीर पे तीर चलाए भक्तों भाले चमकाए। युद्ध भयंकर दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं, लड़ने वो लग जाते हैं, माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना ने ऐसा भयंकर युद्ध किया भक्तों के असुरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो शक्तियां उन्होंने तप कर करके अर्जित की थी, वो देवताओं के सन्मुख जाकर, भगवान सूर्य के सन्मुख जाकर उनके चरणों में प्रणाम करती और विलुप्त हो जाती। अब असुरों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो देवताओं को परास्त कर सके। सो सभी असुर घुटनों के बल बैठ गए भक्तों, और दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्राण दान मांगने लगे। दयानिधि भगवान सूर्य देव नारायण ने सभी को क्षमा कर दिया, परंतु उससे पहले उन्होंने असुरों से स्वर्ग का अधिकार वापस ले लिया। इंद्रदेव को फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया, सभी देवी देवता जो कैद में थे उन्हें मुक्त कराया और उन्हें अपने अपने उचित स्थान पर पहुंचाया। फिर भगवान सूर्य देव नारायण माँ अदिति के सन्मुख पहुंचे और उन्हें वापस से तेज पुंज बन जाने की प्रार्थना करने लगे। माँ अदिति ने एक बार फिर
भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे पुत्र, तुम तेज पुंज तो बन जाओ, परंतु तुम्हारा ये देव स्वरूप भी सदा सदा मेरे पास रहे, मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान सूर्य देव ने ऐसा ही किया भक्तों। तेज पुंज बनकर आज भी वो सौर मंडल में स्थित हैं, नव ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे ग्रह उनकी परिक्रमा लगाते हैं तथा उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और देवता के स्वरूप में भी भक्तजन भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो आप भी यदि जीवन में समस्त सुख भोगना चाहते हैं और अंत में भगवान सूर्य के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर रविवार को भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ दीजिए, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाइए, गुड़ इत्यादि का भोग समर्पित कीजिए, फिर देखिए कैसे भगवान सूर्य देव आपके जीवन में सदा सदा खुशियों का प्रकाश भर देंगे। दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। सूर्य देव ने तेज को अपने ऐसा चमकाया, असुरों की सेना को स्वर्ग से मार भगाया। आदित्य का नाम प्रभु मैया से पाए हैं, अदिति माँ के चरणों चंदन तिलक लगाए हैं। देवी देवता मिलकर के जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव के गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, श्री सूर्य देव भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूप
हम आज तुम्हें भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम आपको भगवान सूर्य देव की मार्कंडेय पुराण में वर्णित पावन कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्य देव ने आकर इस सृष्टि के अंधकार को दूर किया था। भक्त जनों, भगवान सूर्य देव की शक्ति को पूजा का स्रोत माना जाता है। इनको नमस्कार करने मात्र से भक्तों की काया में शक्ति और ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं भगवान सूर्य देव की परम कल्याणकारी ये पावन कथा। सूर्य देव की जन्म की गाथा सुनो लगा कर ध्यान, मार्कंडेय पुराण की गाथा का मैं करूं बखान। ब्रह्मा जी ने की भक्तों जब सृष्टि की रचना, दसों दिशाओं में छाया था तब अंधकार घना। तब ब्रह्मा जी अपने मन में करने लगे विचार, अंधकार में कैसे होगा सृष्टि का विस्तार, किस प्रकार से जीव जंतुओं का विकास होगा, अंधकार का जाने कैसे सर्वनाश होगा। ब्रह्मदेव भी समाधान इसका कोई चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो चारों ओर अंधकार ही फैला था। ब्रह्मदेव सोचने लगे, इस अंधकार में तो सृष्टि का विकास संभव ही नहीं। जब तक सृष्टि में उजाला नहीं होगा, ना ही धर्म की स्थापना हो सकती है, ना ही जीवों का विकास हो सकता है। भक्त जनों, तब ब्रह्मा जी के मुख से ओंकार शब्द का नाद होता है। ब्रह्मदेव जी इन्हीं विचारों में खो जाते हैं, ओंकार रूपी एक तेज को फिर वो बनाते हैं। वही ओम भगवान सूर्य का सूक्ष्म रूप बना, मिटने लगा जिसके कारण अंधकार घना। और फिर भूर भुवः स्वः शब्द हुए उत्पन्न, ये तीनों ही शब्द अपने आप में संपन्न। तीनों शब्द जब ओंकार के भीतर हुए विलीन, जिस कारण से सूर्य देव को मिला स्वरूप नवीन। स्थूल रूप को अपने सूर्य देव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, ब्रह्मा जी सृष्टि के अंधकार को दूर करने के उपाय के बारे में सोचने लगे तो उनके सब मुख से ओंकार शब्द का नाद हुआ, जिससे सृष्टि में प्रकाश फैलने लगा।
वो ही सूर्य देव का सूक्ष्म रूप था। जब ब्रह्मा जी ने भूर्भुवः स्वः शब्द का उच्चारण किया तो सूर्य देव ने अपना स्थूल रूप प्राप्त कर लिया और सारी सृष्टि को प्रकाशमान कर दिया। सृष्टि के प्रारंभ समय में जन्मे हैं सुख धाम, इस कारण से आदि देव आदित्य पड़ा है नाम। सूर्य देव की जन्म कथा एक और पाई जाती, वर्णित वेद पुराणों में वही गाई है जाती। सूर्य देव की जन्म कथा ये भक्तों बड़ी महान, ध्यान लगा कर सुनना भक्तों अब मैं करूं बखान। ब्रह्म देव को पुत्र रूप में मरीचि हुए उत्पन्न, सारी ही विद्याओं और गुणों से जो संपन्न। ऋषि मरीचि के सुत कश्यप तो कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भगवान सूर्य देव महर्षि कश्यप और अदिति के संतान भी कहलाते हैं। अदिति गर्भ से सूर्य देव के उत्पन्न होने की एक पौराणिक कथा है जिसका आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। भक्तजनों, ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मारीच हुए और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए, जिन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया था। उनकी पत्नियों के नाम तिथि और अदिति थे। अदिति और तिथि का है कश्यप से हुआ विवाह, अदिति को थी तेजस्वी सुंदर संतान की चाह। इसी चाह में सूर्य देव का तप किया है कठोर, प्रकट हुए हैं अदिति की वो देख तपस्या घोर। कहने लगे के हे अदिति तुम मांगो कोई वरदान, माँ अदिति ने कहा कि सुत मुझे चाहिए आप समान। सूर्य देव ने तथास्तु कहकर है वरदान दिया, जो दिया है वरदान सूर्य ने पूरा उसे किया। रूप में अदिति गर्भ में स्वयं ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, कहते हैं देवासुर संग्राम में माता अदिति के सभी पुत्र असुरों से हार जाते हैं, अतः माता अदिति को एक ऐसे पुत्र की चाह थी जो बड़ा ही तेजवान और बलवान हो। ऐसे पुत्र की चाह में माता अदिति ने सूर्य देव की आराधना शुरू कर दी। भगवान सूर्य देव उनकी तपस्या को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सूर्य देव ने जब माता अदिति को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हे सूर्य देव, मुझे आपके समान तेजस्वी और बलवान पुत्र चाहिए। भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर कहने लगे, यदि आप मुझे माता के रूप में मिल जाएं, तो इससे और अधिक प्रसन्नता मेरे लिए क्या हो सकती है। भगवान सूर्य देव ने उन्हें पुत्र रूप में आने का वचन दिया और अपने तेज को समेटते हुए सूक्ष्म रूप में माता अदिति के गर्भ में स्थापित हो गए। माता अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रत का पालन करती थी। महर्षि कश्यप कहने लगे, तुम क्या अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को मारना चाहती हो। तब माता अदिति ने
सूर्य देव को अपने गर्भ से बाहर कर दिया। सूर्य देव जब माँ अदिति के गर्भ से बाहर आए, सूर्य देव के इसी रूप को विवस्वान कहा जाए। दिव्य तेज के कारण इनको कहते हिरणमय अंड, एक नाम और सूर्य देव का कहलाए मारतंड। माँ अदिति के पुत्र प्रभु मारतंड है बड़े महान, इनको ही तो कहते हैं सब सूर्य देव भगवान। सूर्य देव ने ही दैत्यों का फिर संहार किया, सुर नर मुनि चराचर सृष्टि पे उपकार किया। अदिति पुत्र को दैत्यों से वही मुक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर उन्होंने माता अदिति पर उपकार तो किया ही, देवासुर संग्राम में जाकर सब दैत्यों का संहार भी कर दिया और माता अदिति के सभी पुत्रों को दैत्यों के भय से मुक्ति दिलाई। भक्त जनों, सभी देवतागण माता अदिति की ही संतान माने जाते हैं। सभी देवताओं में सूर्यदेव को उत्तम स्थान प्राप्त है, क्योंकि जब सभी देवतागण भी मिलकर दैत्यों को नहीं हरा पाए तो सूर्यदेव ने अकेले ही सभी दैत्यों को परास्त कर दिया था। सभी देवतागण है माता अदिति ही संतान, सूर्य देवता माने जाए उनमें सबसे महान। अदिति गर्भ से उत्पन्न हुए आदित्य नाम हुआ, तभी तो आदित्य भक्तों इनको जाता है कहा। इस कथा का वर्णन ऋग वेद में पाया जाता, पद्म पुराण में भी मिलती है ये पावन गाथा। सुर नर मुनि जन सूर्य देव का करते हैं गुणगान, और देवताओं में इनका उत्तम बड़ा स्थान। सूर्य देव के सुमिरन से संकट कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार माता अदिति के गर्भ से सूर्य देव उत्पन्न हुए और सभी देवताओं को दैत्यों के भय से मुक्त कराया। सूर्य देव के जन्म की ये पावन कथा ऋग्वेद और पद्म पुराण में वर्णित मिलती है। भक्तों, भगवान सूर्य देव ही इस धरती पर साक्षात देवता हैं, जिनके दर्शन हम नित्य कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से मात्र जल का अर्घ देने से ही सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं उनकी जीवन गाथा। सूर्य देव ने संगा देवी से है विवाह किया, संगा देवी के पिता श्री स्वयं है विश्वकर्मा। संज्ञा ने दो पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया, सूर्य देव ने धूमधाम से नामकरण किया। एक का नाम है वैवस्वत मनु, दूजे का यम है, पुत्री को नाम दिया यमुना, ना पुत्रों से कम है। संज्ञा देवी अपने
अपना पत्नी धर्म निभाती है। तेज सूर्य का किंतु सहन नहीं वो कर पाती है। सूर्य देव संज्ञा के कष्ट को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, भगवान सूर्य देव ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा देवी से विवाह किया। संज्ञा देवी बड़ी ही कोमल थी और सूर्य देव बड़े ही तेजवान। सूर्य देव का ताप संज्ञा देवी से सहन नहीं होता था, लेकिन वो अपने पति धर्म का निर्वहन बड़ी निष्ठा से करती थी। सूर्यदेव से संज्ञा देवी को 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र को उन्होंने वैवस्वत मनु के नाम से पुकारा, पुत्री का नाम उन्होंने यमुना रखा और छोटे पुत्र को यम नाम दिया। 3 संतान होने के पश्चात भी सूर्यदेव का ताप सहन करने में संज्ञा देवी को बड़ा ही कष्ट होता था। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं कठिन तपस्या करके अपने तेज को बढ़ा लूं या सूर्य देव के तेज को कुछ कम कर दूं। संज्ञा देवी के मन में यही एक उपाय आता है। संज्ञा के मन में अब तो सूझा है एक उपाय, अपनी जैसी परछाई एक दूजी दी है बनाई। रूप रंग व्यवहार आदि सब कुछ था एक समान, संज्ञा और उसमें कुछ भी अंतर ना पड़ता जा। संज्ञा के गुण और ज्ञान को भी उसने है पाया, संज्ञा जैसी थी इस कारण नाम पड़ा छाया। संज्ञा ने छाया देवी को भली भांति समझाया, सूर्य देव को इस बारे में कुछ ना जाए बताया। आगे की घटना भी भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, संज्ञा देवी अपने पत्नी धर्म का निर्वहन तो करती थी, किंतु तब भी उसे सूर्य देव का तेज सहा नहीं जाता था। तो उसने तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाने की बात मन में सोची और उन्होंने अपने ही जैसी एक परछाई बना दी, जिसको संज्ञा देवी ने छाया नाम दिया। संज्ञा देवी छाया से कहने लगी, मुझे तपस्या करने के लिए वन में जाना है। आप मेरी अनुपस्थिति में सूर्य देव के साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करना, क्योंकि आप मेरी ही परछाई हो। छाया देवी को इतना समझा कर संज्ञा तपस्या करने को चली जाती है। तप करने का संज्ञा ने जब मन में किया विचार, चली आई है पहले संज्ञा अपने पिता के द्वार। विश्वकर्मा जी ने किंतु जब ये तो जाना है, पति को बिना बताए उन्होंने सही न माना है। उनके पिता ने अपने द्वार से वापस लौट आई, तप करने को संज्ञा देवी वन में चली आई। सूर्य देव से छाया को भी हुई 3 संतान, सावरणी मनु और भद्रा शनि देव जिन्हें दिए नाम। सूर्य देव छाया के भेद को जान ही जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब छाया देवी और सूर्य देव से शनि देव उत्पन्न हुए तो उनका रंग बड़ा ही काला था। सूर्य देव ने सोचा, मैं इतना तेजवान हूँ, मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है। जब उन्होंने भेद जानना चाहा तो छाया देवी का रहस्य उनके सामने आ गया। उन्हें पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा देवी तपस्या करने को वन में चली गई हैं। सूर्य देव उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। इधर वन में संज्ञा देवी अपना अश्विनी रूप बनाकर तपस्या कर रही थी। तब सूर्य देव ने अश्व रूप में संज्ञा देवी से मिलन किया और उन्हें अश्विनी और कुमार नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए। भक्तों, सूर्य देव और उनके पुत्रों की यही पावन कथा है जिसका हमने वर्णन किया। आइए अब इनकी महिमा वर्णन करते हैं। सात घोड़े के रथ पर अपने सूर्य देव हैं सवार। इन्होंने ही तो दूर किया है सृष्टि का अंधकार। अरुण सारथी हैं उनके जो रथ को चलाते हैं। भक्तों पर सदा सूर्य देव तो कृपा बरसाते हैं। ऋषि मुनि और देवतागण भी करते सदा गुणगान। पंच तत्वों में उत्तम सबसे इनका तो स्थान। देवों की भी इन्होंने जाकर विपदा टाली है। सूर्य देव की महिमा भक्तों बड़ी निराली है। वेद पुराण भी उनके नाम की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, सूर्य देव की महिमा वर्णन मात्र से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है। इनकी आराधना उत्तम फलदायी है। रविवार के दिन विशेष तौर से इनकी पूजा होती है। वैसे तो प्रातः काल उठकर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। सूर्य देव का ध्यान करने से भक्तों को तेज और बल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को रोज सुबह जो अर्घ चढ़ाता है, लोक और परलोक तो उसका सुधर ही जाता है। विशेष तौर से रविवार के दिन ये पूजे जाते होती है उन्हें बल की प्राप्ति जो भी ध्यान लगाते। सूर्य देव की पावन कथा को जो भी सुनते हैं, बिगड़े हुए भाग्य भी उन भक्तों के बनते हैं। हंस राज रलहन भी सुनते सूर्य देव की गाथा। खोज सुरेश ने जिसे लिखा है सिमर शारदा माता। पाल के सूर्य देव ही काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शीते
की में
जय सूर्य देव नारायण, सब भक्तों के पार लगाए, द्वादश नामों को जो गाता रूप चतुर्भुज है अति प्यारा, पीतांबर को आपने धारा, स्वर्ण मुकुट है शीश पिसाजे, सात अश्वों की करते सवारी, सृष्टि की करते रखवारी, अदिति माँ के लाल हो प्यारे, ऋषि कश्यप है पिता तिहारे, मात पिता की आंख के तारे, भक्तों के प्रतिपाल कहाए, पूर्व दिशा से आए के हरते तम अंधियार, श्री आदित्य नारायण को नमन है सौ सौ बार, सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान, जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान, जो भक्ति से नाम को ध्याता, गंगा जल का अर्घ चढ़ाता, उनकी मुरादें पूर्ण होती, सबसे पहला दरस आपका, सबसे पहला भजन आपका, पहली पहली किरण को देखो, सारे पहर श्रृंगार तुम्हारा, सुबह शाम या सांझ सकारा, धरती अंबर चांद सितारे, सृष्टि का विस्तार तुम्हें से, चमक रहा संसार तुम्हें से, ब्रह्मा विष्णु शीश नवाते, जीवन में प्रकाश भरो भानु दिवाकर नाथ, तुमरे होते भास्करा कोई न रहता अनाथ, सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान, जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान, पर्यावरण संतुलित करते, सबके दुख संकट तुम हरते, सृष्टि में भरते हो ऊर्जा, श्री हनुमान ने मुख में दबाया, क्षमा मांग फिर गुरु बनाया, शिक्षा दीक्षा उनको सिखाए, दो पत्नियां छाया और संध्या, शनि देव है छाया नंदा, यम यमुना संध्या संताने, विश्वकर्म है ससुर तुम्हारे, अनुपम तुम आभा को धार, देवों के अग्रज कहलाए, जग को रोशन देता है आप कही प्रकाश, दुख संकट का हो जाता एक पल में ही नाश, सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान, जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान, तुम लाते जीवन में सवेरा, तुम्हें देख भागे है अंधेरा, सब हृदयों में करते उजाला, भानु कह के पुकारे, कोई दिवाकर नाम उचारे, कोई कहता सूर्य नारायण,
रविवार को प्रिय मानते, रवि जो अर्घ्य चढ़ाते तुम पे, जीवन में सुख सारे पाते। नवग्रहों में श्रेष्ठ आप हो, ऊर्जा देते भरते ताप हो, सारे ग्रह पर कम्मा लाते। शुक्र बुध या बृहस्पति तुमसे रोशनी पाए, चंद्रमा राह के तुम मंगल आपको शीश नवाए। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिन कर का गुणगान। माँ अदिति ने ध्यान लगाया, पुत्र रूप में आपको पाया, देवों के तुम बने सहाई। तब से देवता हुए अनुयाई, सबने तिहारी जय जय बुलाई, तुमने बेड़ा पार लगाया। द्वादश देवा नाम तिहार, जिसने भी श्रद्धा से उचार, पाए जीवन में सुख सारे। मोह माया जो तुम्हें सताए, सूर्य देव की शरण में आए, मोह माया ये सब हर लेंगे, पापों से तुम्हें दूर करेंगे। ऋषि कश्यप के लाडले श्री दिनकर महाराज, गुण तुम्हारे गाते रहे चाहे दिन हो या रात। सूर्य देव भगवान, कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिन कर का गुणगान। दिव्य रोशनी किरण तुम्हारी, जीवन से तम हरने वारी, तुमसे रोशन सृष्टि सारी। देवों ने जब अमृत पाया, राहु ने था खेल रचाया, देवों का था रूप बनाया। सूर्य देव चंद्रमा थे आए, विष्णु जी को सत्य बताए, राहु का सर धड़ से काटा। गर्दन राहु थी कहलाई, धरती के तू नाम को पाई, सूर्य चंद्रमा से रोष्ट वो रहते, पर ये ग्रहण लगाते। दिन कर तुम्हारे प्रताप से जीवित है संसार, तेज पुंज है आपका जीवन का आधार। सूर्य देव भगवान, कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान, कर लो दिन कर का गुणगान। बांझों ने जो झोली फैलाई, दिन कर से संतान पाई, निर्धन आए जो द्वार तिहारे। चरण जो शीश नवाए, ऊंची वाणी में वो गाए, कोढ़ी का है रोग मिटाया। नेत्र रोग जो तुम्हें सताए, उगते सूर्य को अर्घ्य चढ़ाए, उसी जल से आंखें धोए। चर्म रोग को ही हो जाए, धूप में थोड़ी देर को आए, चर्म रोग से मिलती मुक्ति। रहने की ये है युक्ति, तुम्हारी धूप में बैठकर अस्थियां हो मजबूत।
को रोशनी दे रही आपके पावन धूप। सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। द्वादश नामों को जो गाए उसका तेज बढ़ता ही जाए। यश वैभव खुशियाँ मिलती हैं, सुबह सुबह की पावन किरण। हाथ जोड़ सब स्वागत करते, अर्घ चढ़ाते जल वो चढ़ाते। तुम सारी सृष्टि के स्वामी सूर्य नारायण अंतर्यामी। तुम हितकारी तुम शुभकारी, भानु शुभ फल देने वाले। संकट सभी वो हरने वाले, काल के भय को मिटाने वाले। हर दुख संकट डालने वाले, तुमसे ही संसार में फैला है उजियार। हे प्रकाश के देवता नमन है सौ सौ बार। सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। सुबह सुबह सब तुमको मनाए, शीश झुकावे ध्यान लगाए। एक माला तेरे नाम फिराते, तेज तुम्हारा अमृत भरता। भक्तों का कल्याण है करता, हम हैं देवा दास तिहारे। आभारी है धरा तुम्हारी, तुमसे रहती वो उजियारी। पेड़ पौधे और सारे प्राणी देवा कण कण के वासी। अनुपम रूप अजर अविनाशी, घट घट भीतर तुम बसते हो। अब में नैया डोल रही कलयुग बहुत सताए। बिना तिहारे भास्करा कौन तो पार लगा। सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। तुमको देवा जो नित जाए, द्वादश नामों को जो गाए। दुख बाधा ना उसे सताए, जीवन में खुशियाँ वो पाए। विपदाएं भी कभी ना आती, काल के भय को भी है मिटाती। आपकी किरणें शक्तिशाली, आपके बल से हम बलशाली। आपका सुमिरन है सुखदाई, आपकी कृपा सबने पाई। देवी देवता शीश नवाए, ऋषि मुनि तेरा गुणगाए। एक माला तेरी रोज फिराऊं, द्वादश नामों को मैं गाऊं। हर पल तुमरा ध्यान लगाऊं, चंदन तिलक लगाता जाऊं। करुणा करो करुणा निधि, हम बालक नादान। कलयुग के दुख दूर करो, देना सुख का दान। सूर्य देव भगवान कर लो दिन कर का गुणगान। जय जय सूर्य देव भगवान
कर लो दिन कर का गुणगान। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता मालांग, पद्मासन स्थित ध्याइए शंख चक्र के श्रुति मीर हर भानु पतंग मरीच भास्कर सविता हंस सुनूर विवाकर चढ़ी रथ पर सूर्य नेत्र पर नीति विराजते।
प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिजम तिज शाह कांधे लोभा सुख संपत्ति लहाए